हेलो स्टूडेंट, जय हिंद इंडिया, जय हिंद भारत। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लेक्स कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां, वो भी 1 से 4 तक। और पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, और भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें हम लोग इस वीडियो में 1 से 4 तक की अनुसूचियों को विस्तार से कवर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने मूल विषय की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले और भी रिचेस मिले। तो चलते हैं हम लोग अपने मूल विषय की तरफ, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, और भी 1 से 4 तक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को हम लोग 3 वीडियो में पूरा अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने वीडियो में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, वो भी 1 से 4 तक। पहली अनुसूची में दिया गया है राज्य और संघ। इसमें दिया गया है भारतीय संघ के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में दिया गया है कि भारत के कौन से राज्य होंगे और उन्हें किस तरह बनाया जाएगा और कौन से संघ शासित प्रदेश होंगे। भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में ये दिया गया है। और हमारे भारत में जैसा कि आपको पता ही होगा कि 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। इसमें सबसे नवीनतम संघ शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर है, और सबसे नवीनतम राज्य है तेलंगाना, जो कि 2014 में बना था। और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट अनुसूची की तरफ, दूसरी अनुसूची की तरफ। और हमारी दूसरी अनुसूची में दिया गया है पेंशन और वेतन। इसमें किसके किसके पेंशन और वेतन की चर्चा है, इसको हम लोग देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य के विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन लोगों के पेंशन और भत्ते का इसमें उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट अनुसूची की तरफ, तीसरी अनुसूची की तरफ। इसमें शपथ दिया गया है, भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में शपथ दिया गया है। इसमें किसका किसका शपथ है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसमें शपथ है केंद्र के राज्य मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख दिया गया है भारत की संविधान के तीसरी अनुसूची में। हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अनुसूची की तरफ, चौथी अनुसूची की तरफ, जिसमें दिया गया है राज्यसभा का रिजर्वेशन। इसमें दिया गया है राज्यसभा का रिजर्वेशन। इसमें दिया गया है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन, अर्थात सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। इसमें भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के तहत इसमें सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा का रिजर्वेशन अर्थात राज्यसभा में कितनी सीटें आरक्षित, कितनी राज्यसभा में कितनी सीटें आरक्षित रहेगी, इसका उल्लेख किया गया है। तो ये थी हमारे भारतीय संविधान की 4 अनुसूचियाँ। और जैसा कि हम वीडियो के शुरू में ही आपको बताए थे कि हम लोग एक आसान सा ट्रिक लेके आए हैं, जिससे आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने ट्रिक की तरफ। ट्रिक है, एक राज्य ने संघ बनाया, दो ने मिलकर वेतन पाया, 3 बार शपथ पत्र लेकर 4 सीटों को बंटवाया। जैसे इसमें दिया है एक राज्य ने संघ बताया, तो जैसे एक पहली अनुसूची में दिया गया है राज्य और संघ, इसमें पहली अनुसूची में दिया गया है राज्य और संघ, और फिर दूसरा है दो ने मिलकर वेतन पाया। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं, जैसा कि हम आपको विस्तार से पहले ही बता चुके हैं कि किसके किसके वेतन और किसके किसके भत्ते दूसरी अनुसूची में शामिल हैं। और तीसरे में 3 बार शपथ पत्र लेकर, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में चर्चा की गई है, जैसा कि इस वीडियो के शुरू में ही बताया गया है कि किस किन 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 लोगों का शपथ का इसमें प्रावधान दिया गया है। और भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची, जैसे 4 सीटों को बंटवाया, अर्थात चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये थी आसान सी ट्रिक,
और जिससे आप लोग इस इन चारों अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले और हम लोग भी और भी वीडियो ऐसे ही बनाते रहें। और कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे 5, 6, 7, 8 मतलब 4 अनुसूचियों को कल के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और फिर नेक्स्ट एक और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें पूरी अनुसूचियों को ख़त्म करके फिर हम लोग संविधान के आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। और अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले और भी रिचेस्ट मिले। और आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, जितनी भी अनुसूचियाँ, जितने भी आर्टिकल आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे वो सब आर्टिकल्स और अनुसूचियाँ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। और इसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं कि कितना इससे क्वेश्चन बना हुआ है। इसमें आप लोग जितना इसमें पढ़ाया जा रहा है आप लोग ध्यान से अगर याद करेंगे तो आपको आपका एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। और आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए और लगातार, और यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो ये बैच बहुत ही विशेष बैच है, तो इसलिए आप लोग इसको पूरा देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। कुछ देर की खामोशियां है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।